हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम शुक्ला जी हैं। सर, एक नेता के तौर पर, एक महिला के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर, एक प्रशासक के तौर पर सुषमा स्वराज की हर कोई तारीफ तो कर रहा है, मगर हर कोई भावुक है, कैसे इसको देख? देखिए, समग्र भारतीय नारी जो है उसके जितने गुण हैं, चाहे वो दुर्गा वाला गुण हो, सरस्वती वाला गुण हो, महालक्ष्मी वाला गुण हो, एक ही व्यक्तित्व में समाहित रहा। वो सामान्य जनों के लिए जिस तरह से उन्होंने भारतीय राजनीति का जनतांत्रिकरण किया कि कोई व्यक्ति विदेश में कहीं यात्रा के दौरान फंस गया, उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक ट्वीट आ जाता था और सुषमा जी उसकी मदद के लिए, कोई भी हो, आम आदमी हो, आम आदमी के लिए सामान्य व्यक्ति, इसलिए मैंने उसको कहा जनतांत्रिकरण किया उन्होंने। उसको जो है, जो विशिष्ट लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध थी वो सामान्य लोगों को उन सुविधाओं को उपलब्ध कराया। जैसे मोसुल में हमारे बहुत सारे जो अप्रवासी भारतीय थे, वो जब आईसिस के कारण वहाँ हमला हुआ, सीरिया में तमाम लोग फंस गए, तब सारे लोगों को जिस तरह से निकाल कर लाने का दायित्व उन्होंने उठाया और हर नागरिक को, किसी का बाल भी बांका नहीं होने पाया, उसको बाहर लेकर आई हूँ। पाकिस्तान के संबंध बहुत बिगड़े हुए थे, और वैसे भी कोई पाकिस्तान में कोई अगर लड़की बीमार पड़ गई तो उसके सर्जरी के लिए भारत में विशेष तौर पर वीज़ा उपलब्ध कराना, उसकी सारी उसको पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए सारे संसाधन चिकित्सकीय उपलब्ध कराने का कार्य करना। इसी तरह एक गूंगी लड़की गुम हो गई, अब उसको जिस तरह से ले आई, उसके परिवार वालों को जिस तरह से, कोई असंभव कार्य था ये, उसको पूरा किया। तो उनका जो ममता, एक ओजस्वी वक्ता उतनी ही ममतामयी माँ का स्वरूप लेकर आना, ये भारतीय नारी का जो जितने भी स्वरूप हैं वो सुषमा जी में समाहित थे। आखिरी शब्दों में कैसे याद किया जाएगा? देखिए, एक अपूर्णीय क्षति कई बार लोगों के लिए जब कहा जाता है तो सिर्फ शब्द श्रृंगार होता है, इनके लिए शब्द श्रृंगार नहीं है, वो उसका हर अक्षर, उसकी मात्रा सब सार्थक है इनके लिए, ये कहना। कैमरा पर्सन राघव के साथ जब्बार खान, आनंद टीवी।